हाय गाइस, गाइस आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत देखे होंगे ना। जैसे कभी कोई लड़का था, वो पहले बहुत पतला था, फिर उसने जिम शुरू किया और उसने फिर बॉडी बना लिया। कभी कोई लड़की थी, पर वही है कि आज जो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वो आप इस वीडियो को मतलब पूरा देखना, तभी आपको मज़ा आएगा देखने का। तो फिलहाल चलो फिर। हे गाइस, दिस मार्टिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और गाइस, आज मैंने सोचा कि ट्यूसडे है तो हनुमान जी के दर्शन कर लूँ चल के, तो मैंने सोचा आप सबको भी ले चलता हूँ। तो शायद ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। और मैं लास्ट में ना आपको हनुमान जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा, तो वो भी आपको काफ़ी सही लगेगा। तो लास्ट तक देखना इस व्लॉग को। फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए पहुँचते हैं फटाफट हनुमान जी के पास। हाँ तो गाइज, फाइनली मैं हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच चुका हूँ और मेरे सामने ही है हनुमान जी, ये देख लीजिए आप। और गाइज, अगर आप जैसे गुड़गांव की तरफ से आएंगे ना, तो ये मूर्ति आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगी। और अगर आप फरीदाबाद से आएंगे तो आपको सैनिक कॉलोनी के थ्रू आना पड़ेगा, तो ये मूर्ति आपके राइट साइड पर पड़ेगी। और गाइज, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मूर्ति है ना, ये मतलब लगा लो लार्जेस्ट हनुमान जी का स्टैचू है सिटिंग पोजिशन में, मतलब लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू ऑफ हनुमान जी। और बाकी आपने जो मतलब स्टैंडिंग स्टैचू है, वो तो आपने वहाँ भी देखा होगा करोल बाग में या झंडे वाला में। बाकी गाइज, मैं अभी यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ आपको और फिर दिखाता हूँ। और इसकी हाइट अराउंड 108 फीट के आसपास है। तो फिलहाल आप मेरे साथ अंदर चलो और बताओ मुझे। फाइनली मैं दर्शन कराया हनुमान जी के, और अब जिस चीज़ का मतलब मैं आपको मेनली जो दिखाना चाहता था वो दिखा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हनुमान जी का। सबसे पहले वो थे ऐसे, जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसके बाद वो हुए ऐसे। मतलब हमेशा से ना उनका साइज़ तो देखो सेम ही रहा है, बट एवेटार उन्होंने चेंज करे और फिर फाइनली तो ऐसे। मतलब ये माथुराम जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने क्या बनाया, क्या मतलब फिनिशिंग दी है। उसके बाद पहले तो देखा आपने कैसे ऑरेंज कलर के थे, और उसके बाद देखिए क्या फिनिशिंग दी है, फाइनल टच दिया है। ठीक है गाइस, बाकी मैं आपको मेनली यही दिखाना चाहता था, क्योंकि ट्यूसडे था, मैंने सोचा कि आप भी दर्शन कर लेते। मैंने तो दर्शन कर ही लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कमेंट करके कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए। मिलता हूँ मैं आपसे बाकी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस गाइस, बाय।